जी संबंध में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम देवगांव घमूरी के बीच से आ रहा है। वहां पर आज सुबह सुबह एक पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। दरअसल संबंध में जो पुलिस अधिकारियों ने हमें जानकारी साझा की उसके मुताबिक आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवालयों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और देवगांव के पास एक अच्छा खासा मेला लगता है। शिवालय वहाँ एक है और उसी के पास में एक मेला लगता है जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और सुबह से ही लोग वहाँ दर्शनार्थी बनकर पहुँच रहे हैं। तो मेले में किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो या सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कैलिया थाना प्रभारी नीलम सिंह अपने हमराइयों के साथ मेले को देखने जा रही थी और वहाँ पर तो जैसे ही देवगांव के आसपास उनकी गाड़ी पहुँची है तो सड़क पर एक चूंकि गड्ढा वहाँ चूंकि कैलिया वाली सड़क है जो कोंस से कैलिया तक जाती है, बीच में सड़क बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। यानी कि अगर यूं कहें कि गड्ढा मुक्त सड़क का जो सरकार का वादा है वो वहाँ पर फेल होता दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर अनियंत्रित वहाँ गाड़ी हुई है और गाड़ी अनियंत्रित हुई है लेकिन जब तक पुलिसकर्मी को समझ पाते गाड़ी खंडक में जा चुकी थी। वो लगभग 2 से 3 पट्टियाँ खाई है और ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसमें जो महिला थाना प्रभारी हैं नीलम सिंह जो कैलिया थाना प्रभारी हैं वो और उनके साथ 3 और पुलिसकर्मी हैं, लगभग कुछ 4 लोग सभी घायल हुए हैं। सभी को रायगीरों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और सूचना मिलने पर जिले के जो आला अधिकारी हैं क्षेत्राधिकारी या पुलिस अधीक्षक हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और वहां उनको इलाज दिया गया और नीलम सिंह की हालत जो है गंभीर दिखते हुए क्योंकि उनको फ्रैक्चर भी हुआ है और चोट भी बहुत आई थी, कान से उनके ब्लड निकल रहा था, लिहाजा उनको उच्च संस्थान के लिए रेफर किया गया है और शेष आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।